चलिए गाइज, आज आपको कुछ नया चीज़ सिखाते हैं। तो आप सबसे पहले तो देखिए ये फ़ोटो, ठीक है ना। सैड फोटो मैंने ये कितना अच्छा से किया है, ठीक है ना। एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों ने भी काफ़ी सारा सपोर्ट प्यार दिखाया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा चलो इसका ट्यूटोरियल बना देते हैं। ओरिजिनल फ़ोटो देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से मैंने क्लिक किया था और इसको एडिट किया है कुछ इस टाइप से, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को एकदम ईजी स्टेप में बताने वाला हूँ कि इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो एकदम बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल वॉच कर लेना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच कर लेना है। आप लोग भी ऐसा फ़ोटो एडिटिंग कर पाएंगे, वो भी एकदम ईजी स्टेप में। मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कुछ इस टाइप का पोज देके आप लोग को फोटो क्लिक करवा लेना है, ठीक है ना। जब आप लोग ऐसा पोज देंगे तो देखिए, मैंने ये फोटो क्लिक करने के लिए इतना सारा मेहनत किया है कि मैंने एक शर्ट को भी पूरा ख़राब कर दिया है कलर डाल के, और यहाँ पे मैंने बैंडेज को भी यूज़ किया है। तो ऐसे करके आप लोग भी अपने फ़ोटोज़ को बना सकते हैं। अगर आप लोग ना चाहें तो ये ब्लडिंग वगैरह कपड़े पे तो लगाएंगे तभी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो ये आप लोग PNG में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा फ़ोटो एडिटिंग चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, मैं उसी के हिसाब से बनाऊँगा। लेकिन मुझे अभी जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ मैं आप लोग को बना रहा हूँ, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से पोज देके आप लोग को फोटो क्लिक करवा लेना है। क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को इस फोटो को आप लोगों को लेके जाना है, सिंपल सा प्रोसेस है, अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। फाइनली गाइज, अपने फोटो को लाइटरूम में लेके आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा लाइट को एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ओवर लाइट लग रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट का एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो हाईलाइट को कम करके शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, व्हाइट एंड ब्लैक दोनों को ऐसे कम रखेंगे, शैडो को 100% बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से फोटो को डार्कनेस बना लेना है, डार्क कर लेना है। उसके बाद से लास्ट में चले आना है यहाँ पे डिटेल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे शार्पनेस वाला जो ऑप्शन है इसको बढ़ा लेना है, ठीक है ना, 118 पे कर लेना है, और डिटेल्स वाले ऑप्शन को 100% फुल कर लेना है। सो फाइनली गाइस, जब इतना हो जाता है आपका काम, तो उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है ना, सिंपल से फ़ोटो को सेव कर लेना है। और फोटो को सेव करने के बाद आप लोगों को इस फोटो पर सिंपल से रेमिनी एप्लीकेशन का यूज़ कर लेना है, रेमिनी अप्लाई कर लेना है। अभी देखिए, रेमिनी में ही मैं अप्लाई करूँगा, ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ, रेमिनी अप्लाई करूँगा। सो फाइनली गाइस, देख सकते हैं मैंने क्या किया कि रेमिनी अप्लाई कर लिया है अपने फोटो पर, और कुछ इस टाइप से देख सकते हैं हमारा फोटो हो चुका है HD। अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से ऑटोडेस्क में जाना है इस फोटो को लेकर, और थोड़ा सा क्या करना है, कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेना है। देख सकते हैं मैंने फेस को स्मूथ कर लिया है रेमिनी यूज़ करने के बाद। क्या होता है कि स्मूथ करना अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो मेरे चैनल पे कम से कम 300 से ऊपर वीडियोस पड़ा हुआ है फेस स्मूथ के ऊपर, जाके आप लोग को देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना, कि फेस स्मूथ कैसे करते हैं। कुछ इस टाइप से फेस स्मूथ कर लीजिएगा। करने के बाद अपने फोटो को क्या करना है, सिंपल से कटआउट कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं कैसे कटआउट किया हूँ, तो ये भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आप लोग इजीली जाके देख सकते हैं कि फ़ोटो रूम से फ़ोटो कटआउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा क्या है कि नेट उतना फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कटआउट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फोटो रूम एप्लीकेशन में डायरेक्ट फोटो को शेयर करेंगे, और जस्ट वन क्लिक में हमारा फोटो का कटआउट हो जाएगा। देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे कटआउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, और जितना फास्ट देखिए कट गया, ठीक है ना, वन क्लिक में फ़ोटो कट गया। ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ जाता है, इस पर क्लिक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, फोटो कट गया। सो फाइनली गाइज, अभी फोटो तो कट आउट हो गया है, लेकिन अभी इसको एडिट कैसे करना है वो चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सिंपल से मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, वो वाला बैकग्राउंड आप लोग को इजीली मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज करूँगा डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ईजिली आप लोग को मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है alonedesign.xyz, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूँगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। सो फाइनली गाइस, कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड है जो कि मैं आप लोगों को दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको शेयर कर लेना अपने PicsArt एप्लीकेशन में, और PicsArt एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद देख सकते हैं आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आप जानते हैं वो जानते रहिए, और छोटा से छोटा और कम से कम समय में आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है ना, छोटा से छोटा वीडियो बना के। तो अभी क्या करना है, ऐड फोटो में जाके मैंने जो फोटो को कटआउट किया है, तो यहाँ पे ऐड फोटो में चलेंगे और उस फोटो को ऐड करेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं मैंने अपने फोटो को ऐड कर लिया है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे,
और यहाँ पे हम इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। देखिए अभी लग रहा है पूरा कटआउट हुआ है आगे का, बिल्कुल बकवास लग रहा है, लेकिन इसको हम सेट कैसे करेंगे वो भी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा इसी वीडियो में। तो क्या करना है, ओरिजिनल फोटो को भी यहीं से ऐड कर लेना है, ठीक है ना, ओरिजिनल फोटो को भी ऐड कर लेना है। सो गाइज ओरिजिनल फोटो को ऐड करने के बाद एडजस्ट वाले ऑप्शन पर चलना है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को ह्यू का। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने जो नीचे का जो पत्थर वाला एरिया है इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डन करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। ह्यू पे चलेंगे और देखिए जो नीचे का ब्लू कलर का इफेक्ट है ना, एकदम ब्लू कलर में इसको भी लेके आना है, ठीक है ना। कोशिश करना है कि ब्लू कलर हो जाए, तो हम यहाँ से कर लेते हैं ताकि हमको एडजस्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हैं मैं ब्लू कलर यहाँ पर एडजस्ट कर ही लेता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा, आराम से हो गया, इतना पे मैच करवा सकते हैं आसानी से। अभी हम डन करेंगे, ठीक है। डन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, पूरा साइज़ के हिसाब से, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इसको हम क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। देखिए मैं बड़ा कैसे कर लेता हूँ, और देखिए साइज़ को छोटा करेंगे तो एकदम पूरा मैच हो रहा है फ़ोटो के साइज़ का ही। तो इरेजर वाले ऑप्शन पर चल के इन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम ले लेंगे, ठीक है। देखिए एकदम बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एडिटिंग किया हुआ है यहाँ पर, मैं आप लोग को एकदम ट्रिक बता रहा हूँ कैसे कैसे एडिट करते हैं। यहाँ से हार्डनेस को जीरो करके साइज़ को रख लेना है थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा हमको ऐसे करके बढ़ा लेना है, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस करना है। सो देख सकते हैं अभी इतना से ही नहीं लगेगा, इतना से नहीं लगेगा कि आपका फ़ोटो कटआउट किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद से थोड़ा सा हम शैडो पर काम कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टिकर पर चलेंगे और ब्लैक शैडो यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है ना। ब्लैक शैडो मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ पिक्सआर्ट में से ही आप लोगों को PNG वगैरह दे दूँ, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इजी रहता है और कॉपीराइट वगैरह का भी कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है ना, और आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फाइनली गाइस जब आप लोग सर्च करेंगे ब्लैक शैडो तो आपके सामने काफ़ी सारा PNG वगैरह आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये सेकेंड नंबर वाला जो ब्लैक शैडो है इसी पर क्लिक करके इसी को यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इस टाइप से बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और इसको ऊपर की साइड में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, देखिए, और नीचे की साइड में भी थोड़ा सा खींच लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा नीचे अंधेरा डार्कनेस टाइप का हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद से हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्टिकर वन में चलना है और यहाँ पे एक ये वाला ले लेना है इमोजी। लेने के बाद देखिए मैं कैसे कैसे इसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद से इसको लेने के बाद इसको अपने हैंड पे कुछ इस टाइप से यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर। और इसका क्या करना है, ओपासिटी कर देना है कम, ठीक है, यानी कि 50 या 60 के अंतर्गत रखना है। और उसके बाद से इसका क्या करना है, एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है ना। डुप्लीकेट बना के इधर के साइड में ऐड करना है, इसको बहुत सारा ऐड करना है इसमें, देखिए कुछ इस टाइप से ऐड करना है, डुप्लीकेट बना बना के ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खिलने वाला है, दिखने वाला है, बेहतर लगेगा एक फ़ोटो, आप फोटो में आपका लुक दिखने लगेगा इससे। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको थोड़ा सा और ऊपर की साइड में लगा लेंगे, फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे, इस साइड में लगा लेंगे, मतलब 4-5 PNG इसमें का जितना हो सके आप लोग जल्दी जल्दी से लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से लगा लेता हूँ। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से जो ब्रोकन हर्ट वाला PNG है मैंने पूरे फोटो में कहीं कहीं यूज़ कर लिया है, आप लोग भी अपने हिसाब से यूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद से सिंपल से फिर से चलना है स्टिकर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर सर्च करना है रोज़, ठीक है ना, रोज़ PNG ऐसे सर्च करना है, आपके सामने बहुत सारा रोज आ जाएंगे। तो इसमें से कई सारा PNG को यूज़ करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे कैसे यूज़ करना है, हर एक प्रोसेस आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको ये वाला ही यूज़ करना है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर गिरा हुआ रख देना है, जैसे लगेगा कि यहाँ पर फेंका हुआ है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से फीलिंग को समझिए, ठीक है। उसके बाद से ये वाला PNG है, इसको हम क्या करेंगे, हैंड में अपने यूज़ कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और भी जो भी आप लोग को इसमें से रोज़ अच्छा लगे, बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को रोज़ का PNG। तो देख सकते हैं इसमें से मैं थोड़ा सा कोई और देख लेता हूँ पसंद करके, उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज इसमें से हम ये वाला ही PNG यूज़ करेंगे, ये जो ऊपर की साइड में था इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इरेजर वाले ऑप्शन पर चलेंगे और यहाँ पे ऊपर के साइड से पूरा इरेज कर लेंगे, जैसे कि लगे नहीं कि इसको ऐड किया गया है बाहर से, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि लग रहा है कि मेरे हाथ में ही है और बाकी एक दो गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐड कर लेना है, और उसके बाद से ऐड करने के बाद देख सकते हैं यार काफ़ी कमाल का फ़ोटो लग रहा है अभी। अभी हम इतना ही पे क्या करेंगे, सिंपल से इस फ़ोटो को सेव करेंगे एक बार, ठीक है, फ़ोटो सेव हो गया।
देखिए सेव होने के बाद अभी दिखा देते हैं थोड़ा सा, देखिए बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी बेस्ट लग रहा है ये फोटो। अभी और सारा तो दो चार PNG है उसको ऐड करना है, मैं बता देता हूँ। अब गाइज ऊपर हम लिखने वाले हैं द ब्रोकन, ठीक है ना, वो वाला फॉन्ट भी हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ब्रोकन, ठीक है ना, ब्रोकन ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे 3 डॉट दे देना है, ठीक है, डन करना है। डन करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे चलेंगे हम फॉन्ट वाले ऑप्शन में। और जब फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो मेरे को यहाँ पे एक फॉन्ट मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, इसी फॉन्ट को यूज़ करूँगा। देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। अब हम यहाँ पे चलेंगे कलर वाले ऑप्शन में, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रेड ही सेलेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैक सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, रेड ब्लैक। उसके बाद से कुछ इस टाइप से हम इसमें वाइट कलर का जो ये होता है स्ट्रोक वाला ऑप्शन, इसको हम यूज़ कर लेंगे। द ब्रोकन लिख दिए, काफ़ी बेस्ट सा लग रहा है। अभी आपको क्या करना है, इसमें आके और सर्च करना है, यहाँ पे ब्लड सर्च करना है, ठीक है ना, ब्लड ऐसे करके ब्लड सर्च करना है। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारा PNG आ जाएगा। तो मैं इसमें से कोई एक PNG यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला PNG यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं फ़ोटो को क्या कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा और इस वाले को इरेज कर दूँगा, ठीक है। एकदम रियल टाइप का लग रहा है, और ये रियल ही लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इसको फ़ोटो में ही यूज़ करता हूँ अपने। और उसके बाद से थोड़ा सा एक और ब्लड का PNG ये वाला यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसको ऐसे करके, ठीक है। इरेजर वाले ऑप्शन पे चलेंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट हो रहा है इसको इरेज कर लेना है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे एक एक PNG को ऐड करके अपने फ़ोटो को एक अलग सा लुक दे रहा हूँ, ठीक है। ऐड करने वाला भी देखिए लग रहा है कि ऊपर से ही है, लेकिन हम इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अब देखिए एकदम बेस्ट सा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे कर लेना है। और इरेजर वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करके हार्डनेस को 0 करके ऊपर की साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इरेज कर लेना है। देख सकते हैं काफ़ी एकदम रियलिस्टिक लगने लगा। उसके बाद से फिर से हम इसी पे चलेंगे, और यहाँ पे वाटर ड्रॉप, ठीक है, वाटर ड्रॉप सर्च करेंगे, जिससे कि आंसू का PNG आ जाएगा हमारे सामने। तो ये रहा आंसू का PNG, इसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैं जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा और छोटा करके हम इस टाइप से ऐड कर लेंगे। और देख सकते हैं आंसू का भी PNG मैंने काफ़ी बेस्ट तरीके से ऐड कर लिया। अब हम डन कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस कुछ इस टाइप से आप लोगों को अपने फ़ोटो को ऐड करना है। उसके बाद से ड्रॉ टूल में चलना है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर लेना है। अब क्या करना है, आप लोग को इस फोटो पे एक बार और रेमिनी अप्लाई कर लेना है। आपका फ़ोटो का कलर ग्रेडिंग भी अपने आप हो जाएगा, बैकग्राउंड से फेस का कलर सब कुछ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो का आपसे पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।